गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में दोस्तों वुमेन आईपीएल का मैच नंबर 3 खेले जाने वाला है चिन्नस्वामी स्टेडियम पे। पिच की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों चिन्नस्वामी स्टेडियम पे शुरू के 2 मैच खेले गए हैं, दोनों मैच पे सेम ट्रैक यूज हुआ था और आप सभी लोगों को अब पता चल चुका होगा चिन्नस्वामी स्टेडियम पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं क्योंकि ग्राउंड का डायमेंशन छोटा है जिसकी वजह से यहां पर रन बनाना आसान रहता है और रन चेस करना यहां पर उससे भी ज्यादा आसान रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ड्यू फैक्टर रहता है, इसीलिए जो भी टीम यहां पर टॉस जीतती है वो सीधा सीधा क्या करती है, चेस करती है यहां पर। बाकी दोस्तों लाइव पिच आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है, जाके पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। बात करूं दोस्तों यहां प्लेइंग 11 की तो गुजरात जायंट्स की टीम पे बेथ मुनी और लॉरा वुल्फार्ट ओपन करती है, फर्स्ट डाउन पोजीशन पे हरलीन डियोल आती है, उसके बाद आप लोगों को दयालन हेमलता खेलती हुई दिखेगी, फिर ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे आप लोगों को एशले गार्डनर दिखेंगी, फिर यहां पर आप लोगों को टी पठान या वी कृष्णा मूर्ति खेलती हुई दिखेगी। अभी तक डाउट है कौन खेलेगा, इसीलिए मैंने दोनों प्लेयर को यहां पर रखा हुआ है। बाकी आप लोगों को स्नेहा राणा दिखेगी, बॉलिंग वाले सेक्शन पे दोस्तों आप लोगों को ली ताहूहू दिखेगी, तनुजा कनवर, मेघना सिंह और मन्नत कश्यप आप लोगों को खेलते हुए दिखेगी। वही बात करूं दोस्तों मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की तो यास्तिका भाटिया और हेले मैथ्यू ओपन करती है, फर्स्ट डाउन पोजीशन पे नटालिया साइबा ब्रंट आती है, उसके बाद हरमनप्रीत कौर आती है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को अमलिया कर दिखेगी, फिर पूजा वत्साकर आती है, उसके बाद अमनजोत कौर आती है, उसके बाद आप लोगों को सजवीना साजन दिखेगी, फिर SB केठाना दिखेगी, उसके बाद शबनम इस्माइल और शाइका इशक आप लोगों को खेलते हुए दिखेगी। अब सेक्शन वाइज एनालिसिस देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन पे गुजरात वुमेन्स की टीम पे आप लोगों को बेथ मुनी दिखेगी, बहुत ही शानदार प्लेयर है दोस्तों, रीसेंट फॉर्म देखोगे 20, 52, 72, 83, बहुत ही शानदार प्लेयर है दोस्तों, इन्हें पिक करके चलिएगा, बहुत अच्छी प्लेयर है। 95 T20 इंटरनेशनल मैच में 41 का एवरेज है, 50 जिसमें 22 बार बना चुकी है, कंसिस्टेंसी दिख रहा है, इतना एवरेज वुमेन पे रखना बहुत मुश्किल होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी। यस्तिका भाटिया की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भी लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था 57 रन का, बाकी आईपीएल में देखोगे तो 25 के एवरेज से खेल रही है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों इन जनरल आप लोगों ने देखा होगा वुमेन आईपीएल में क्या होता है ना, विकेट कीपर्स को पॉइंट मिलते ही है, अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं, रन आउट, स्टंपिंग, कैचेस काफी होते हैं वुमेन आईपीएल पे और हर पे आप लोगों को दिखेगा विकेट कीपर का रोल रहता है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा इन दोनों को आप लोग पिक करके चलिएगा। अब आ जाओ अपने बैटिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। बैटिंग वाले सेक्शन पे आप लोगों को लॉरा वुल्फार्ट दिखेगी, हरलीन डियोल दिखेगी और दयालन हेमलता दिखती है गुजरात वुमेन्स की टीम पे। लॉरा वुल्फार्ट को देखोगे तो 49, 16, 58, 15 अच्छे फॉर्म पर आ रही है, वुमेन आईपीएल पे 4 मैच खेले जिसमें 2 मैच में 50 बना चुकी है, 35 का एवरेज है, मस्ट पिक प्लेयर है दोस्तों, लेकर चलना है लॉरा वुल्फार्ट को। हरलीन डियोल की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो 13, 46 बैटिंग नहीं 6, बाकी वुमेन आईपीएल पे 8 मैच में 28 का एवरेज है, अच्छा परफॉर्मेंस था लास्ट वुमेन आईपीएल में, एज अ पॉइंट प्ले पिक आप लोग ट्राई कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दयालन हेमलता की अगर मैं बात करूं तो 13, 10, 2, 20 बैटिंग नहीं, बाकी वुमेन आईपीएल पे 8 मैच में 30 का एवरेज है, बाकी 8-8 2 मैच में 35 का इनका एवरेज है, 50 एक बार बना चुकी है, स्टिल दयालन हेमलता को मैं ड्रॉप करके ही चलूंगा। यहां पर लॉरा वुल्फार्ट मेरी फिक्स प्लेयर रहेगी, हरलीन डियोल की अगर मैं बात करूं तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी जिन्हें आप लोगों ने डिफरेंशियली मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई करना है। बात करूं मुंबई वुमेन्स की टीम पे तो आप लोगों को हरमनप्रीत कौर दिखेगी सेकंड डाउन पोजीशन पे, लास्ट मैच में 55 रन की शानदार खेली पारी खेली थी, 2 इनका कैच मिस हुआ था, इस बात को ध्यान रखेगा। बाकी हेड टू हेड 2 मैच खेले हैं, दोनों मैच में इन्होंने 50 प्लस रन की पारी खेली है, इस बात को ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर, मस्ट पिक प्लेयर। अमनजोत कौर फिफ्थ डाउन पोजीशन, 10 बैटिंग नहीं 4, 17, 13 ड्रॉप करके चला जा सकता है सीधा सीधा। संजना की अगर मैं बात करूं तो डाउन द लाइन नीचे खेलने आती है, 85, 3, 9, 0, 6 बाकी एक ही वुमेन आईपीएल का मैच खेला था, लास्ट बॉल पे छक्का मारकर टीम को जिताया था, इस बात को ध्यान रखेगा। प्लेयर बहुत ही शानदार है, स्टिल ड्रॉप करके चलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। तो बैटिंग वाला सेक्शन लॉरा वुल्फार्ट,
हरमनप्रीत कौर और यहां पर हरलीन की ओर, ये तीन प्लेयर है। इन्हीं तीन प्लेयर में से आप लोगों ने दो प्लेयर मेगा ग्रैंड लीग पे पिक करने हैं, वरना सेफ साइड अगर आप लोग जाना चाहते हो तो लॉरा वुल्फर्ट और हरमनप्रीत कौर ही सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी। अब आ जाओ अपने ऑलराउंडर वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे दोस्तों आप लोगों को गुजरात वुमेन्स की टीम पे एशले गार्डनर दिखेगी, आप लोगों को पट्टी पठान दिखेगी और स्नेहा राणा दिखेगी। ठीक है, ओके। एशले गार्डनर की अगर मैं बात करूं तो शानदार प्लेयर है, आप सभी लोग पहचानते होंगे। 7 रन 1 विकेट, 1 विकेट यहाँ, 0 विकेट, 10 रन 2 विकेट, 26 रन 1 विकेट। बाकी वुमेन आईपीएल पे देखोगे तो 8 मैच में 29 का एवरेज है, 10 विकेट है, 50 2 बार बना चुकी है। मस्ट पिक है, इन्हें आप लोगों ने लेकर ही चलना है एशले गार्डनर को। बाकी बात करूं दोस्तों यहां पर टी पठान की, तो यहां देखो डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स आप लोगों को बता देता हूं। अभी जो खेला है 45 रन, 52 रन, 2 विकेट, 3 विकेट, 8 रन, 1 विकेट। बाकी T20 इंटरनेशनल पे 22 मैच में 26 विकेट है, 18 का एवरेज है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पंट प्लेयर बन सकती है विथ लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो सेकंड प्लेयर यह रहेगी आप लोगों के लिए। स्नेहा राणा 1 विकेट 2 विकेट, 1 विकेट 2 विकेट। बाकी वुमेन आईपीएल पे 8 मैच में 8 विकेट थे, 8 का एवरेज था और 6 विकेट थे। हेड टू हेड 2 मैच में 3 विकेट है, 10 का पूरे 4 ओवर अपने डालेगी, इस बात को ध्यान रखेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब इस पे आप लोग टी पठान को भी ट्राई कर सकते हो, स्नेहा राणा को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन एशले गार्डनर आप लोगों के लिए फिक्स प्लेयर रहेगी। बात करो दोस्तों मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे, आप लोगों को हेले मैथ्यू, नटालिया साइबर, अमेलिया कर और एसबिन क्रिथाना दिखेगी। अच्छा, हेले मैथ्यू लास्ट मैच में फ्लॉप रही थी, लेकिन उससे पहले का रिकॉर्ड देखो इसका, ऐसा रिकॉर्ड आपने शायद ही देखा होगा T20 पे किसी के करियर पे। मस्ट पिक है, लेकर चलना है, सीवीसी भी रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लास्ट मैच में चली नहीं, इसका मतलब नहीं चलेगी। नटालिया सिवा ब्रंट की अगर मैं बात करूं तो 19 रन बनाए थे, 2 विकेट लिए थे, 14, 11, 15, 19। मस्ट पिक प्लेयर है, सीवीसी की अच्छी कंटेंडर, ध्यान रखिएगा। अमेलिया कर की अगर मैं बात करूं, 24 रन, 2 विकेट इन्होंने लिए थे, 7वां, 9वां, 18वां, 20वां, ये भी मस्ट पिक प्लेयर है, इन्हें भी लेकर चलना है। देखो ना, 4 ओवर, 4 ओवर, 2 ओवर, 10 ओवर, मतलब वैसे हेले मैथ्यू भी अपने ओवर पूरे करेगी, कल अच्छे फॉर्म पे नहीं थी तो इन्होंने किया नहीं, वरना 12 ओवर तो आप लोगों के यहीं पे कवर हो गए। बाकी कृताना की अगर मैं बात करूं तो 1 ओवर दिया गया था, आप लोग इन्हें ड्रॉप कर सकते हो। सिंपल सा सेक्शन है दोस्तों ऑलराउंडर वाला, मस्ट पिक प्लेयर है, इन्हीं प्लेयर्स को आप लोगों ने लेकर चलना है। अब आ जाओ अपने बॉलिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो सिंपल सा है, ली ताहुहु की अगर मैं बात करूं तो 4 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, 80 मैच में 78 विकेट है, 4 विकेट होल्ड 2 बार है, इंपॉर्टेंट बॉलर रहेगी दोस्तों गुजरात वुमेन की टीम से, बॉलिंग सेक्शन को यही लीड करेगी, इन्हें पिक करके चलना है। तनुजा गनवर की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, 8 वुमेन आईपीएल मैच में 5 विकेट है। मेघना सिंह की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो 1 विकेट है, बाकी 11 मैच में 4 विकेट है। मन्नत कश्यप की अगर मैं बात करूं तो 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 0 1 विकेट, 10 मैच में इनके पास 17 विकेट है, ध्यान देने वाली बात है। मन्नत कश्यप एक इंपॉर्टेंट बॉलर निकल कर आएगी इस मैच पे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पंट प्लेयर, 2-3 ही है जो मैं बता रहा हूं वही परफॉर्म करके देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी मुंबई वुमेन्स टीम पे पूजा वत्सराकर दिखती है, 13वां और 16वां ओवर डाला था इन्होंने, इन्हें ड्रॉप कर दीजिएगा। सबनम इस्माइल दिखती है 1, 3, 5, 17, इन्हें पिक करना है, पूरे 4 ओवर डालेगी, अच्छी स्पीड से बॉलिंग निकालती है। शाइका इशिक का फॉर्म उतना अच्छा नहीं था, 2, 7, 14, लेकिन प्लेयर अच्छी है, लास्ट वुमेन आईपीएल पे इन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था, हेड टू हेड 2 मैच में 4 विकेट है, इंपॉर्टेंट प्लेयर, ट्राई करके चलना है। तो मोस्टली यहां पर आप लोगों को 11 प्लेयर चूज करने हैं, मैंने आप लोगों को 15 प्लेयर बता दिए हैं, लगभग इन्हीं 15 प्लेयर से 11 प्लेयर बनाकर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग भी इजीली जीत सकते हो। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, जो प्लेयर मैंने पंट प्लेयर बनाए हैं उन्हें आप लोगों ने मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई करना है, क्योंकि वो लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर है। बाकी अभी के टाइम पे जो टीम है उसे अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर मेरे पास बैतमुनी और यस्तिका भाटिया है, हरमनप्रीत कौर है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास अमेलिया कर है, हेली मैथ्यू है, नटालिया साइबर बर्ंट है, एशले गार्डनर है, स्नेहा राणा है मेरे पास, सबनम इस्माइल है, ली ताहुहु है और कश्यप है, ये अभी के टाइम पे टीम है। कैप्टन मैं मोस्ट प्रोबेबली हेले मैथ्यू को रखूंगा और नटालिया साइबर बर्ंट को मैं यहां पर वाइस कैप्टन रख के चलूंगा। सेफ साइड जाना है तो यहां पर आप लोग लॉरा वुल्फर्ट को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, लॉरा वुल्फर्ट को ही रखो अभी के टाइम पे इस टीम पे आप लोग, और यहां से कश्यप को हटाओ और यहां से लॉरा वुल्फर्ट को रखो, ठीक है। रिस्क लेंगे 3-4 स्पॉट पे, वो बताऊंगा टेलीग्राम ग्रुप पे कैसे आप लोगों ने टीम बनाना है।
अभी के टाइम पे मेगा ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस क्लियर होंगे, किन किन प्लेयर्स पे आप लोगों ने ध्यान रखना है वो बात आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है, आप सभी लोग जिम्मेदारी से खेलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।